ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहर में खाद्य पदार्थ जैसे मोमोज, चाउमीन, नूडल बेचने वालों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया था, जिसमें उन्हें जागरूक करने का प्रयास किया गया कि वे खाद्य पदार्थ बेचते समय क्या क्या सावधानियां बरतें। लेकिन हद तो इस बात की है कि स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का थोड़ा सा भी असर इन छोटे छोटे विक्रेताओं पर नहीं पड़ा और वे धड़ल्ले से नियमों और जनता के स्वास्थ्य को ताक कर रखकर खाद्य पदार्थ बेच रहे हैं। सोलन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहर में खाद्य पदार्थ जैसे मोमोज, चाउमीन, नूडल्स बेचने वालों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें जागरूक करने का प्रयास किया गया कि वे खाद्य पदार्थ बेचते समय क्या क्या सावधानी रखें ताकि उनके द्वारा बेचे जा रहे खाद्य पदार्थ से किसी भी शहरवासी का स्वास्थ्य खराब न हो। लेकिन हद तो इस बात की है कि स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का थोड़ा सा भी असर इन छोटे छोटे विक्रेताओं पर नहीं पड़ा और वे धड़ल्ले से नियमों और जनता के स्वास्थ्य को ताक पर रखकर खाद्य पदार्थ बेच रहे हैं। अधिक जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग के सहायक आयुक्त एलडी ठाकुर ने बताया कि खाद्य पदार्थ बेचने वालों के लिए कार्यशाला लगाई गई थी, जिसमें उन्हें ये निर्देश दिए गए थे कि वे बिना एप्रन और ग्लव्स के बाजार में खाद्य पदार्थ न बेचें। अगर वे इन नियमों की अवहेलना करते हुए पाए जाते हैं तो उन पर उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही शहर के विभिन्न क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया जाएगा और अगर कोई भी नियमों की अवहेलना करते हुए पाया जाता है तो उसका सामान जब्त किया जाएगा और उसका चलान भी होगा। रेडीमेड वालों को टाइम टू टाइम हम चेक करते हैं, ये फिक्स लोग नहीं होते। आज कुछ एक जगह बैठते हैं, कल को दूसरी जगह से नए लोग आ रहे हैं और जो फिक्स एक जगह पर अपनी रेडी लगाते हैं उनको हमने फास्टैग के तहत 140 लोगों को कमेटी हॉल में अभी फास्टैग के अंदर ट्रेन किया है। उसमें उनको एप्रन, ग्लव्स, कैप और एक सर्टिफिकेट हमने प्रोवाइड कराया है। अब हम उसको मैंडेटरी करेंगे कि जब भी वो अपनी रेडी पर जाएं वो एप्रन और ग्लव्स पहन के ही सर्व करें, उनका पानी बिल्कुल साफ हो, उनके पास डस्टबिन हो, ये सब हो जाएगा। उसी को हम स्ट्रीट में बेचना अलाउ करेंगे, अदरवाइज नियमानुसार जो भी चलान या और प्रक्रिया होगी वो उनके खिलाफ भी करेंगे।